बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसी हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहु सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 9th-10th क्लास के पेपर दे रहे हैं 17 सितंबर 2024 को, जो 9th-10th क्लास का पेपर होना है वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। कौन कौन से पेपर्स कैंसिल किए गए हैं और ये जो कैंसिल किए गए पेपर्स हैं ये दोबारा कब होंगे, तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये बरकत वाला महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर 2024 को बन रहा है और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है पाकिस्तान के तमाम इदारे बंद होंगे और पाकिस्तान में जितने भी तालिबे इल्म पेपर्स दे रहे हैं उनका पेपर जो है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन यानी 17 सितंबर 2024 को पेपर नहीं लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो है मुल्तान बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जो है 12 सितंबर 2024 को जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका पेपर एजुकेशन का है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मुस्लिम हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन तमाम स्टूडेंट्स का जो पेपर 17 सितंबर 2024 को होना था अब वो पेपर जो है 19 सितंबर 2024 को लिया जाएगा। इसके अलावा मुल्तान बोर्ड ऑफिस, जुबली हॉल, पेपर चेकिंग सेंटर जो है ये भी बंद रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखे ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।